हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करण और ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं आपको फर्स्ट मेरा इंग्लिश लेसन जो है वो सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश का। तो आई होप कि आप लोग सीखेंगे और साथ के साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं और वीडियो आपको आपके पास तक पहुँचा सकूँ। अभी थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मुझे अकॉर्ड फील हो रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि वैसे तो बिगनर से ही स्टार्ट करूंगा मैं, आगे चल के वॉवल्स एंड बाकी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टेंसेस से स्टार्ट करें तो ठीक रहेगा। आगे चल के जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं आप लोगों को और वीडियो देता रहूंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंसेस से, जो कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इज वॉट, जो कि अभी चल रहा है हमारे साथ साथ। अभी हम यहाँ जो है वो प्रेजेंट है। तो इस टेंस में हमारे पास चार जो है वो टेंसेस आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज सिंपल, सिंपल टेंस, सिंपल और इनडेफिनेट भी कह सकते हो। सेकंड में आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड में आता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ में आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें सबकी अपनी अपनी जो है वो वर्ब्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग वर्ब्स हैं। अभी हम पहले बात करेंगे सिंपल टेंस की। सिंपल टेंस क्या होता है कि इसका जो वर्ब है वो है डू एंड डज। डू एंड डज इसका पहला जो है वो इसका वर्ब्स है। इसके वर्ब्स इज हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके। और वो जो वर्ब्स होते हैं लाइक गो, गोज, वेंट, है ना, ये वर्ब्स अलग होते हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और ये वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज कि उस सेंटेंस को जोड़ने में वो मदद करता है। अभी सेंटेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, पहले एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस व्हाट वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। ये हमारा तरीका होता है हमें सेंटेंस बनाने का, ये जो तरीका है हमारा इससे हमारा सेंटेंस बनेगा। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल टेंस का। सिंपल टेंस का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे हमें डू और डज यूज करना है। जो डू है, जो डू है वो हमेशा वो प्लूरल के साथ यूज होगा। प्लूरल इज व्हाट डू एंड डज। डू हमेशा प्लूरल और प्लूरल एंड आई यू वी के साथ हमेशा डू यूज होगा। डस किस में यूज होगा,
डज यूज होगा हमेशा नेम, नाउन एंड बाकी जो भी इनके अलावा बचेगा सेंटेंस बनेगा हमारा उसमें सिंगुलर, सिंगुलर में हमारा डज यूज होगा। अभी इसके साथ साथ मैं आपको, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंसेस होते हैं जिनसे ही मतलब ये ही एक तरह से हम कह सकते हैं ये नींव होती है हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन की, ये नींव होती है, इसके बेसिस पे ही हम अपनी जो आगे की कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया, अभी इसके साथ में आपको एक सेंटेंस बना के बताऊंगा। जैसे अभी इससे इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि टेंस क्या होता है, जाता है, जाती है, जिसमें ती आता है, इट मींस इट इज प्रेजेंट टेंस। द, ये हो रहा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है बट ये कंटिन्यूअस है। अभी इसमें देखो ता, ये इसमें क्या होता है, ता, ती, ते, तू, ये सब प्रेजेंट में आते हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल होता है जिसमें लास्ट में राम बाजार जाता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो अभी देखो राम, अभी इस पे चलेंगे हम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ही वॉस, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, कि जो हमारे पास ये तीनों के अलावा चीजें बचेंगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा लास्ट में आएगा। अभी देखो ये राम जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, जाता है, ये ता हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और जा हमारा हो गया वर्ब, जा रहा है या जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जाता है, इट मींस इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, जाता है, ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ये राम बाजार जाता है तो हमारे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। अभी देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा दोनों में से, अभी ये राम जो है वो सिंगुलर है, राम अकेला है ना, तो राम, अभी इसमें क्या होता है कि राम डज नहीं आएगा इसमें, जो सिर्फ डज तभी आता है जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, डज तभी उसके साथ में आएगा जब हम इसका नेगेटिव टेंस बनाएंगे, ठीक है, अदरवाइज जो ये ES है वो हमारा सिर्फ वर्ब के साथ ऐड हो जाता है, जो ये वर्ब के साथ है वो लास्ट में ES ऐड हो जाता है, और अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो वो ES, ये जो डज है वो पूरा नॉट के साथ में आ जाएगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको बना के, जिसे राम, अभी ये गो था, राम जाता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा, राम गोस टू मार्केट, ठीक है। अभी जो मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ ये इसके साथ आ गया ना, ये इस, जब हमारा पर ये सिंपल टेंस होगा तभी हमेशा ES इसके साथ ही आएगा, वर्ब के साथ में हमारा डज नहीं लगेगा था। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे राम बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है राम बाजार, तो राम डज नॉट, अभी ये सिर्फ ये बाहर आ गया ना हमारा ES, जो इसका बाहर आ गया, इसके साथ से बाहर आ गया हमारा ES, तो ये डज के साथ पूरा आ गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ गो आएगा, राम डज नॉट गो टू
मार। अभी इसका इन्फॉर्मेटिव, ये नेगेटिव है, ये सिंपल है। अभी इसका ही जो है इन्फॉर्मेटिव टेंस कैसे बनेगा, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव वो कैसे बनेगा, वो क्या होगा इसमें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो सिर्फ बाहर आ जाए। अभी ये इन्फॉर्मेटिव होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब आस्क, यू आर आस्किंग क्या राम बाजार जाता है, क्या वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब पक्का नहीं है। ही इज आस्किंग समवन, थर्ड पार्टी इज आस्किंग टू राम, क्या राम बाजार जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आएगा डज, अगर ये बोल रहा है कि राम बाजार जा, क्या राम बाजार जाता है, तो हमारा नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं नहीं आया। क्या राम बाजार नहीं जाता है तो नॉट लगेगा, और नॉट बाहर नहीं आएगा उसके साथ, बस राम के जस्ट बगल में आ जाएगा नॉट। देखो अभी क्या नहीं नहीं लगा है हमारे पास, क्या राम बाजार नहीं जाता है ये नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये राम, क्या राम बाजार जाता है। तो यहाँ पे आएगा डज राम, हमेशा जो नेम का फर्स्ट वर्ड है चाहे उसके आगे भी वर्ड हो वो हमेशा कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। डज राम गो टू मार्केट, ठीक है, ये समझ आ गया हो। अगर इसमें कुछ पूछना है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था मैं, जिसमें ये सिंपल टेंस पढ़ाया मैंने आज, इसमें ता ती ते होता है लास्ट में सेंटेंस के अंत में, ठीक है। सिंपल टेंस की हेल्पिंग फॉर्म होती है डू एंड डज, डू जो होता है वो हमेशा प्लूरल के साथ आता है, डज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, इतना याद रखे काफी होगा। और हमारा जो सेंटेंस मेकिंग का तरीका है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ये मैंने सेंटेंस बना के आपको बताया, ये सिंपल सेंटेंस बना के बताया था मैंने आपको, ये नेगेटिव में है और ये इन्फॉर्मेटिव में है। तीन तरह के सेंटेंस हमारे पास होते हैं, जिसमें नेगेटिव में क्या राम बाजार नहीं जाता है, ये हो गया इन्फॉर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। और इस नेगेटिव में होता है राम बाजार नहीं जाता है, सिंपल में होता है राम बाजार जाता है, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कल पढ़ेंगे हम, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा और एक में आपको समझ नहीं आएगा, इसके हिसाब से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ये ठीक रहेगा हमारे पास कि हम एक ही सेंटेंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट करना मुझे ताकि मैं आगे वीडियो और बना पाऊँ, और मेरा फर्स्ट वीडियो ये है, और बस प्लीज सपोर्ट करना, थैंक यू।